नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी पहचानी चेहरा है। अपनी बेहतरीन अभिनय के दम पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में एक अच्छी मुकाम हासिल कर ली है। अक्षरा सिंह इन दिनों गायिका में भी कमाल कर रही हैं। उनके गाने दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। अक्षरा ने भोजपुरी फिल्मी दुनिया में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। हालांकि उन्हें कैरियर में विवादों से भी सामना करना पड़ा है। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह के साथ अपने अफेयर और ब्रेकअप को लेकर वो अक्सर चर्चा में रही हैं। अक्षरा सिंह ने जिन फिल्मों में काम किया है उनमें से कुछ फिल्में इस प्रकार हैं: सत्यमेव जयते, त्रिदेव, ठोक देव, कर्ज, दिलेर, दिलवाला इत्यादि। सत्यमेव जयते उनकी पहली फिल्म थी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अक्षरा सिंह के जीवन के बारे में। हम अक्षरा के भोजपुरी फिल्मी दुनिया के आने के सफर के बारे में भी बात करेंगे। अक्षरा सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। उनका जन्म 30 अगस्त 1993 को हुआ था। अक्षरा का बचपन अभिनय, गायकी और नृत्य के माहौल में ही बिता है। अक्षरा के पिता विपिन सिंह और माता नीलिमा सिंह दोनों ही अभिनेता और अभिनेत्री हैं। अक्षरा सिंह की प्रारंभिक शिक्षा बिहार के पटना शहर में ही हुई है। अक्षरा सिंह ने अपना कुछ समय दिल्ली में भी बिताया है। जब अक्षरा सिंह के पिता दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थिएटर कर रहे थे तब अक्षरा सिंह को अभिनय और सुर के ताल के बारे में बारीकियों को बहुत गहराई से सीखने और समझने का मौका मिला था। उन्होंने दिल्ली में बहुत कुछ सीखा। कुछ समय के बाद अक्षरा अपने पिता के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई। अपने अभिनय के शुरुआती दौर में अक्षरा ने जगह जगह ऑडिशन देना शुरू किया। अक्षरा को अपने माता पिता और उनके दोस्तों का सहयोग मिला और साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन भी मिला। अक्षरा सिंह अपनी निजी जिंदगी में काफी सुलझी हुई अभिनेत्री हैं। हालांकि वो अपनी फिल्मों में भी काफी सुलझी हुई नजर आती हैं। अक्षरा सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें भोजपुरी में अश्लीलता पसंद नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि अक्षरा भोजपुरी फिल्मों और भोजपुरी गानों में अश्लीलता के खिलाफ हैं। अक्षरा सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो ऐसे एक्टर या गायक से नफरत करती हैं जो अश्लीलता फैलाकर भोजपुरी को बदनाम करते हैं। मुंबई आकर अक्षरा भोजपुरी फिल्मों में काम करने के लिए जी जान से मेहनत करने लगी। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें एक भोजपुरी फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। उस फिल्म का नाम था सत्यमेव जयते। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता थे रवि किशन। अक्षरा सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रवि किशन के साथ काम करके उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। अक्षरा सिंह को बचपन से ही गायिका बनने का शौक था। गायकी के क्षेत्र में भी अक्षरा सिंह कई शानदार गाने गाए हैं जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आए हैं। उनका एक गाना कॉल करे क्या काफी ज्यादा हिट हुआ था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में वो अक्सर पटना का चिड़ियाघर घूमने जाया करती थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में युवाओं के लिए भी संदेश दिया था। युवाओं को दिए अपने संदेश में उन्होंने कहा था कि जो यूथ हैं उन्हें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, फिर उसको हासिल करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी बात को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर अपनी बात खुलकर रखती हैं। अक्षरा सिंह ने भोजपुरी के सुपरस्टार्स पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ के साथ कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।